इस वीडियो में हम योग फ्रॉक की कटिंग करेंगे। एक साल से दो साल की बच्ची को पहना सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए हमने ये कपड़ा ले लिया है। ये हमारे फ्रॉक योग के सामने का कपड़ा है और ये बैक का। कंट्रास्ट में बनाएंगे हम इसे। आप इसे एक रंग में भी बना सकते हो। ये हमारा सामना है और ये हमारे फ्रॉक की बैक। तो हम इस पे निशान लगाते हैं। तो सबसे पहले हम लगाएंगे इसमें लंबाई का निशान। लंबाई लेनी है हमें योग की 6 इंच। और चौड़ाई भी हमें 6 इंच ही लेनी है। ये बॉक्स तैयार हो गया। अब हम इसमें लगाएंगे गले का निशान। तो गले की चौड़ाई हमने 4 इंच ली है, तो इसमें हम 2 इंच का निशान लगा लेंगे। गले की गहराई ली है हमने 2.5 इंच, तो ये 2.5 इंच पे निशान लगा देंगे। ठीक है, अब इसका हमें बॉक्स बनाना है। और इसमें हमें गोलाई कर देनी है ऐसे। अब लगाएंगे इसमें हम तीरे का निशान। तीरा हमें 8 इंच का लेना है, तो 4 इंच पे निशान लगा देते हैं। और 4 इंच हमें तीरे की गहराई लेनी है, तो ये 4 इंच पे यहाँ पर निशान लगा। इसका भी ऐसे ही बॉक्स बनाना है जैसा हमने गले का बनाया। और इसमें भी ऐसे ही गहराई करनी है। 1/2 इंच अब हम तीरे के गिराव का निशान लगा रहे हैं। और 1/2 इंच योग की गोलाई का निशान। योग में गोलाई देनी है ना, तो इसलिए। और 1/2 इंच साइड में से। तो देखो, ये भी 1/2 इंच पे है और ये गोलाई का भी 1/2 इंच और साइड में। ये तीनों निशान हमें 1/2 इंच पे लगाने हैं। ये हमारा योग की ड्राइंग तैयार है। अब हम इसे काटते हैं। और अब हम इसमें बैक में लगाएंगे 1 इंच का निशान। तो ये हमारी फ्रॉक की योग तैयार है कट के। हम इसमें घूम लगा देते हैं। ये हमने इसे फोल्ड कर दिया है कपड़े को।
20 इंच चाहिए हमें, ये 21 है, इसमें से हम काट देंगे थोड़ा। और ये 11 है, ये बिल्कुल हमें 11 ही लेना है, तो ये 11 ही है कपड़ा हमारा। तो अब हम इसे 4 फोल्ड में करके काट देते हैं। कपड़े की लंबाई 11 इंच लेनी है और कपड़े की चौड़ाई 40 इंच लेनी है। यहाँ तो ये हमारा फोल्ड होके 20 इंच बैठेगा। यानी आधा मीटर कपड़ा। तो ये हम ऐसे बनाएंगे सामने में कंट्रास्ट लगा के। गले में और मुड्ढों में हमें पाइपिंग लगानी है, तो पाइपिंग भी हम इस कलर की लगाएंगे। और एब की लेनी है, जैसी बिब में लगाते हैं तो वही पाइपिंग हमें इसमें भी लगानी है। 1.5 इंच की पाइपिंग। ये मुड्ढों की हो गई और ये गले की, और यहाँ पर लगाने के लिए ये हमें आगे पीछे यहाँ लगानी है। ये हमारे फ्रॉक की कटिंग तैयार है। सबसे पहले हम इन दोनों पट्टियों पर सिलाई लगाएंगे एक पैर की। ये हमारा सामना है, इस सामने पर रख के हमें इस पे सिलाई लगानी है। ये बैक है, इस पे हमें फोल्ड करके लगानी है पट्टी। अब इन पे हम लव की सिलाई लगा देंगे। अब इन्हें एक सार करके काटनी है। एक एक इंच की सिलाई लगाएंगे हम, पाइपिंग लगाने में दिक्कत ना हो। ऐसे ही कंधे की तरफ लगानी है। अब हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग टाइट हाथों से लगाएं, पाइपिंग को खींच के रखें थोड़ा। गोलाई में पाइपिंग खींचनी पड़ती है, तो इसलिए खींच के लगाएं पाइपिंग। ये फोल्ड करके हम ठोका बना लेंगे इसका, और अब इसे मोड़ के तब सिलाई शुरू करेंगे। लब की सिलाई लगानी है बिल्कुल आराम से।
बैक में भी ऐसे ही पाइपिंग लगानी है जैसे सामने में लगाई, बिल्कुल इसी तरह खींच के पाइपिंग को। अगर ढीली रह जाएगी पाइपिंग तो गोलाई नहीं आएगी फिर सही, तो इसलिए थोड़ा खींच के ही लगाएं। अब हम इन्हें ऊपर नीचे रख के यहाँ टाकी लगा देंगे कंधी की तरह, सामना ऊपर रखना है हमें और बैक नीचे। अब मुड्ढों में भी पाइपिंग ऐसे ही लगानी है बिल्कुल। इसे भी ऐसे फोल्ड करके सिलाई लगानी है। अब हम इसमें चुन डालेंगे घूम में धीरे धीरे, योग में पाइपिंग लगा रहे हैं। मगर आप ना लगानी चाहे तो मत लगाइए, इससे और खूबसूरत बन जाता है योग पाइपिंग लगाने से। वैसे भी अगर पाइपिंग के भी इसे बना सकते हो। पाइपिंग पे सिलाई नहीं चलानी, पाइपिंग से पीछे सिलाई चलानी है इसकी बिल्कुल बराबर बराबर में। नीचे घूम रखने हैं हमें और ऊपर योग, और तब पाइपिंग की साइड में सिलाई लगाएं। बैक में हमें ऊपर घूम रखने हैं और नीचे बैग। अगर घूम छोटे या बड़े हो जाए तो इसमें चुन डाल के चुन निकाल के इसे सही कर सकते हो। ये हम इस पे खूबसूरती के लिए छोटा सा फूल बना के लगा देंगे ताकि और खूबसूरत हो जाए हमारा फिरोग। अब हमें इसमें लगानी है साइड की सिलाई एक पैर की। नीचे से फोल्ड करना है 1 इंच, आप कम या ज़्यादा भी मोड़ सकते हो।
ये हमारा फ्रॉक तैयार है। अब हम इसमें काज बनाएंगे दोनों तरफ। वैसे तो काज और बटन की वीडियो हमने एक्स्ट्रा में तैयार कर रखी है, आप उसे भी देख सकते हो। दोनों तरफ ऐसे काज बनाने हैं हमें। अब हम बटन लगा देंगे इसमें। तो हमारा योग फिरोग तैयार है।